एसआर कैपिटल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का अभिनंदन है। हिंदी व्याकरण भाषा की परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों के भाव और विचार ग्रहण करता है और समझता है। अर्थात भाषा के द्वारा हम अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं और दूसरे के विचारों को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं। भाषा के दो रूप हैं, एक मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा वह भाषा है जिसे हम मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनकर समझते हैं, उस मौखिक भाषा कहते हैं। इस भाषा को सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये हम जैसे बातचीत करना, भाषण देना, कहानी सुनना, ये मौखिक भाषा के रूप हैं। लिखित भाषा भाषा का वह रूप जिसे लिखकर प्रकट किया जाए और पढ़कर समझा जाए, उसे लिखित भाषा कहते हैं। इस भाषा को सीखने की आवश्यकता होती है। बिना सीखे हम लिखित भाषा अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर सकते। जैसे पत्र लेखन का कार्य लिखित भाषा का रूप है, समाचार पत्र पढ़ना, पुस्तक पढ़ना, ये लिखित भाषा का रूप है। व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ है विश्लेषण करना। व्याकरण भाषा का विश्लेषण करके उसकी रचना को हमारे सामने प्रकट करता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने और बोलने के नियमों का ज्ञान करवाता है। अर्थात व्याकरण के माध्यम से ही हम भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कर सकते हैं। इसलिए व्याकरण को समझना अति आवश्यक है। कुछ उदाहरण देखें, जैसे सीता पेड़ पर चढ़ता है, हम सभी जाएगा, दोनों वाक्य अशुद्ध वाक्य हैं क्योंकि सीता स्त्रीलिंग के साथ क्रिया का रूप चढ़ती है होना चाहिए, जबकि वाक्य लिखा है सीता चढ़ता है, ये अशुद्ध वाक्य रूप है। दूसरा है वाक्य संख्या दो में हम सभी जाएगा नहीं होता, हम सभी जाएंगे, ये भाषा का शुद्ध रूप है। आपका धन्यवाद।